खोए खोए क्यों हो इतने, खोए खोए क्यों हो इतने? आप टेस्ट देने नहीं आए, गलत बात है। टेस्ट को पॉलिटी का ग्रुप नहीं चेक करते आप? कहाँ थे, कहाँ घर? अच्छा आपको कैसे पता है? कैसे? डेंगू बहुत फैल रहा है, VMC के सारे बच्चे डाउन है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बच के रहना भाई। गॉड बुरी, GMC भर गया है डेंगू मरीजों से। हाँ डेंगू के बारे में क्वेश्चन पूछूं कोई? क्या मैं तो 16 में करने सोच रहा हूँ। चलो डेंगू मेल मच्छर के काटने से होता है, फीमेल में? नाम बोलूँ? 22 से 18 कर दूँ? किससे होता है, पूरा नाम बोलो? एनोफिलीज में भी एक सब टाइप है, एडीज एगिप्टी, ठीक है, मच्छर का नाम है। दूसरा, इसको कैसे पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही है, जो पीछे टेल होती है ना उस पर वाइट स्पॉट्स होते हैं डेंगू मच्छर के, एडीज एगिप्टी मच्छर का नाम। दूसरा, किस टाइम काटता है? ये सच में क्वेश्चन आएंगे, आपको पता होना चाहिए। किस टाइम काटता है? सबसे प्रोमिनेंट टाइम क्या है? शाम को, डस्क। डस्क बड़े, हाँ सांझ कहते हैं उसको, शाम। शाम को। दूसरा, हाँ क्लीन वाटर या डिकेड वाटर? क्लीन, डर्टी में नहीं होता है भाई, मच्छरों का शहन शायद डर्टी में क्यों रहेगा। ज़रूरी नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा उड़ नहीं सकता, तो अगर आपको सपोज हाथ और पैर में से एक ऑप्शन है, कवर योर लेग्स, बाजू तक कभी भी अपर बॉडी पार्ट पे नहीं काट रहा, रेयरली काट देगा, यूजुअली यहाँ होता है पूरा डेंगू का, लोअर लेग्स पैर वैर में, बस ख़त्म। ये सच में क्वेश्चन, एक बार मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन पूछा था ना, लेपर्ड किस टाइम हंट करता है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं UPSC में। कैसे कॉमन सेंस? नहीं मतलब अगर आप, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी मसी वगैरह रहते हैं ना उस तरफ, मैंने आपको तब भी बताया था, दिन में वहाँ बहुत लेपर्ड को चित्रा कहते हैं, है ना, तो दिन में वहाँ बहुत हैं, बिलावर साइड बहुत ज़्यादा हैं, दिन में कभी नीचे मेटाडोर आती है ना पहाड़ों से, नीचे आना पड़ता है, दिन में जब पिकअप करने जाते हैं ना किसी रिलेटिव को, सेफली जाते हैं, कभी डॉन और डस्क में जाना, डंडा लेके जाना पड़ता है, क्योंकि तब वो अटैक करता है, वो उसका हंटिंग का टाइम है। और क्यों किया उसने? क्योंकि दिन में जब वो एवॉल्व हो रहा था हजारों सालों से, तो दिन में टाइगर उसका मीट खा जाता था, तो उसको बचना नहीं था, उसको नहीं मीट खाना। इसी को 12th की बायोलॉजी के NCERT में एक कंसेप्ट है, रिसोर्स पार्टिशनिंग, कि मीट तो लिमिटेड है, अब दोनों ने अपना अपना टाइम बांट लिया, अब लेपर्ड को आदत पड़ गई है मिलियंस ऑफ ईयर से कि मैंने इसी टाइम हंटे, रिसोर्स पार्टिशनिंग। हाँ रिसोर्स होता है जो किसी से एनर्जी नहीं लेता, सन रिसोर्स होता है। अब जैसे ये बल्ब है, ये सोर्स है, रिसोर्स है, रिसोर्स है, पीछे से करंट आ रहा है ना, अगर इसकी अपनी होती तो फिर ये हो जाता, ठीक है, बात समझ आ रही है? अर्थ भी रिसोर्स, अर्थ के रिसोर्सेज बोलते हैं, ये अर्थ पे जितने भी आपको दिख रही हैं पानी वानी, ये कहाँ से आया? सन नहीं होता तो कुछ नहीं होता, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का एक ही सोर्स है सन, सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन ऑन सोलर सिस्टम बोलते हैं ना, सन इज़ द सोर्स, 6th की NCERT में लाइन लिखी होती है, सन को नहीं बोला जाता सन इज़ द रिसोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। सन से ही हीट से पैदा होता है विंड एनर्जी, तो विंड रिसोर्स है, अगर सन नहीं होता विंड नहीं होता, सन से पैदा होता है वाटर, तो वाटर रिसोर्स है, सन अगर सन नहीं होता वाटर नहीं होता, मार्स पे
कि नहीं है ना पानी, क्योंकि सन रेज उतनी है। बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन आया था मेरे को ध्यान में, अब भूल गया। इसका ही आया था, डेंगू का। चलो ठीक है, अब देखते करें स्टार्ट। भाई ये जितनी स्टोरियां डालते हैं ना, उससे अच्छा पढ़ ही लें। कल फिर वो डाली थी कि पता नहीं इनको ठुकरा दिया किसी ने, इनको बोलो यार ले आ जाओ यहाँ पढ़ने, मैंने बोला है। हाँ मैं तो पहले बोलता था कि आ जाया करो क्लास में, फिर मैंने बोलना छोड़ दिया। वही है, वही कह रहा हूँ, उन्हीं को कह रहा हूँ, पता नहीं। नहीं, मुबारक मंडी पहले इसमें थे, कल वही इसकी स्टोरी आई थी, पीछे सूरज था तो फिर लिखा था कुछ कि पता नहीं सूरज की तरह कुछ। कहाँ पे थे हम? अच्छा, चलो करो शुरू। फेब्रवरी यार आपको पेपर देना चाहिए था, पर कहाँ कराए? अच्छा करा दी है, मार्च बचा सिर्फ एक। अच्छा करा तो दिए साइंस डे, साइंस डे किसके बर्थडे पे अब आए थे? किसके बर्थडे पे था साइंस डे? ठीक है, सी वी रमन। किसके लिए फेमस हैं? वही होता है, वही सी वी रमन आपने बोला। उस किसके लिए फेमस है? वाई इज ही फेमस, वॉट इज ही फेमस फॉर, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उनकी? चंद्रयान थ्री है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। चंद्रयान थ्री है, उस पर उसके रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। कितना बाहर है रोवर का? कितना बाहर है रोवर का बाहर? वेट, मास, मास। यार मेरा, हाँ वेट, जो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था 2018 में, सीधे लिखा था वेइंग मशीन मेजर्स, ऑप्शन था वेट, पूरी जनता वेट मार के आई, आंसर था मास। मास का यूनिट होता है केजी, आपके अंदर मैटर कितना है। वेट का यूनिट होता है न्यूटन, कि आप धरती पे फोर्स कितनी लगा रहे हो। बात समझ आ रही है? वेइंग मशीन आपको कभी न्यूटन बताती है? क्या बताती है? केजी। तो वेइंग मेरा वेट आया 60 किलो, ये गलत सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? मेरा मास है 60 केजी। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ो ना, इतनी इंटरेस्टिंग है ना पढ़ाई, पर हमें सिखाया ही नहीं इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। कल यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग थी ना, सारे माँ बाप ये थे कि सर मैंने इस पे सारा लगा दिया, अब ये मेरे को कहीं लेट डाउन नहीं करे। मैंने कहा आंटी जी इसके सामने तो मत बोलो कम से कम, मेरे को अकेले में बोल लो। सारे माँ बाप मतलब अपने बच्चों को बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके सामने ही एक अंकल आए, वो कह रहे हैं कि मेरी दो बेटी हैं, ये बेटा है, सब तो मैंने बेटियों पर लगा दिया, अब इस पर कुछ नहीं है लगाने को। मैंने कहा मैं लगा देता हूँ फिर, अब कुछ कुछ नहीं है तो। यहाँ पे मतलब पढ़े पढ़े मतलब बाबुओं के बच्चे, उनके पेरेंट्स आके सर आपने 2.5 लाख तो आपने ही ले लिया। मैंने कहा आंटी जी मेरे को तनख्वाह मिलती है, उन्होंने लिया है, मेरे साथ मेरे को क्यों बोल रहे हो? पढ़ाई पढ़ाई पे तो खर्चा होगा ही, 2 साल का 2.5 लाख, ऐसे सोने के सेट पहनने 3-3 लाख के, वो नहीं चुपते इनको।
हाँ बिजनेस होते हैं। हाँ तो उसने ऐसी बात की ना, फिर मेरे एक कज़न भी रहते हैं, मतलब सोच कितनी अच्छी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको, मतलब इंस्पायर होने के लिए। सोच ये थी जो यहाँ पे रहते हैं, उसका भाई है उसमें रेलवे में इंजीनियर है, ठीक है, उसका जो छोटा भाई है वो रेंट पे है, ठीक है, तो उसको शौक ही नहीं है जॉब करने का, उसने सब्जी की दुकान खोली, ठीक है सर, उसकी सब्जी की दुकान है जैसे मतलब पैकिंग करके ऐसा मैं क्या थोड़ा हाँ अलग किया होगा बॉक्स स्टाइलिश तरीके से। बिल्कुल सही है, शर्म नहीं करनी है। मैं सब्जी की दुकान खोलूँ, मेरी मम्मी मेरे एक गला काट दे दुकान पे आके, भगवान की कसम। अडानी है ना अडानी, ये तेल इधर उधर सप्लाई करता था, वहाँ से तेल लाया 4 लीटर और इधर महंगा बेच दिया। ये काम हम करें ना, भगवान की कसम वही तेल डाल के जला दे मेरे को घर वाले। यहाँ है ही नहीं, यहाँ इज्जत ही इतनी है प्यारी है, कोई दो मतलब कोई level 4 के ऑफिसर पटवारी कोई बनेगा ना, वो फिर लगा देगा इंस्टाग्राम पे ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ J&K ऑफ गवर्नमेंट, है ना, देखा आपने। यहाँ झूठी ईगो में इतना जी रहे हैं ना, कितनी सैलरी होगी पटवारी की, 36,000 37,000। ऑफिसर हूँ मैं, थोड़ा भेजा खराब होता है सुन के। मैं ये बताया था पेरेंट टीचर मीटिंग ना, बड़े गलत है यार, बच्चे ऐसे डरा के रख, एक रोने ही लग पड़ा एक बच्चा, उसको बोल रहा है, उसकी मम्मी बोल रही है कि मैं इस पे 8 से पैसा लगा रही हूँ। मैंने कहा उसके सामने मतलब यार लगाओगे नहीं पैसा, आपका बच्चा कौन लगाएगा इस पे पैसा। एक्चुअली बात पता है क्या है, मदर्स जो सारे सिटी के हैं पॉश इलाके की मदर्स, अब इनको इनका स्टेटस, इनको स्टेटस सिंबल है इनके लिए बच्चे, ये इनकी ईगो के मैनिफेस्टेशन है, ये बच्चे को नहीं है इनके, वो ठीक होते हैं ये मारते भी नहीं हैं। मेरे को कल दिख रहा था सामने जो जो पेरेंट आ रहा था, दिख रहा था कि हिज चाइल्ड या हर चाइल्ड इज़ नॉट उसका बच्चा, अब वो उसके लिए उसकी ईगो का पॉइंट बन गया है, तो वो गलत परफॉर्म करता है अगर, जो कि नेचुरल है यार, सारे कुड़ी जैसे परफॉर्म करेंगे, वो सफ़र करती है कि वो शो ऑफ नहीं कर सकती। यार मैं आपको सच बताऊं, किताब में बड़ी बड़ी पढ़ी है, गाड़ी में जो मेरे को समझ आया ना, जितनी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, जो सक्सेसफुल इंसान हुए हैं ना, वो हैं जिन्होंने वो किया जो उनके दिमाग में आया। हमारे हिसाब से उसामा बिन लादेन गलत बंदा था, लेकिन है तो सक्सेस, भाई नाम तो आ गया उसका, उसने भी तो जो उसके दिमाग में आया कर दिया। कौन सा बंदा खज्जल होता है, जो कि 99.9999% जनता खज्जल है, जो सबका सुनती है, जैसे आप बता रहे हो उसने सब्जी की, उसने जो उसके दिमाग में आया उसने वो किया, इधर उधर भटका ही नहीं। इधर सपोज मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूँ ना, पर मेरे को कोई बोल देता तो ऑफिसर नहीं बनेगा, मेरा ही दिमाग ख़राब होता है आधे घंटे के लिए। अगर कोई आपको 10 बार बोलते रहे दिन में 20 बार कि तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी अगर तू ऐसे रहा, आपको ही लगने का 11वीं बार किया ना, हाँ ख़राब ही हो रही है, लगेगा ही। तो वही तो वो एटीट्यूड होना चाहिए। ये तो पागल है माँ बाप, ये तो पागल है सीरियसली, जम्मू कश्मीर के माँ बाप पागल हैं। बच्चों को इतना प्रेशराइज कर दिया, ना, मतलब दे उनको लग रहा है गैर हिसाब रखा हुआ है, बचपन से आज तक कितना पैसा लगाया, उसके सामने बोल रहे हैं, 11th के बच्चे के सामने बोल रहे हैं। मैंने घड़ी पहनी थी ना, एक मम्मी आई, यंग लग रही थी कोई, मतलब होगी 45 के आसपास, है ना, वो मेरे को बोलती कि सर ना मैं स्मार्ट वॉच पहनती हूँ ना कुछ करती हूँ। मैंने कहा मेरा मन क्या, बोलूँ मेरी ले जाओ फिर, इसको क्यों टॉर्चर कर रहे हो, क्या ये कोई बात है बोलने वाली कि मैं स्मार्ट वॉच ही नहीं पहनती इसके लिए, 2,000 रुपये की स्मार्ट वॉच आज पहन लो, 2,000 की नहीं आती स्मार्ट वॉच, बहुत बेवकूफ़ है, बहुत बेवकूफ़ है। मैं मज़ा लेने बैठा था कल 2 घंटे, ऐसे मस्त नहीं होता, भेजा ख़राब करना, ऐसी इतनी बुरी हालत है ना। हाँ
एक मैं बता रहा हूँ सरोवर के जमवाल अंकल आए, उनकी लड़की का नाम है साक्षी जमवाल, वो आए भी वैसे दाढ़ी रखी इतनी टिक्का लगा के आए, ये पढ़ती नहीं है घर पे, मतलब ऐसे गुस्से, मतलब ऐसे मेरे को लग रहा है बेचारी लड़की इतना अच्छा पढ़ती है ना, वो डर गई थी पूरी, ऐसे डरा के रखा होता है ना, कुछ नहीं होता है, लगता है दिमाग आपका डरा के। और मैंने ना इनको, जैसे मैं इधर सबसे छोटा हूँ, इनको भी इनमें और मेरे में 9 साल का गैप होगा मैक्सिमम, तो मैंने इनको ये बोला, हर क्लास में ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई मेरे को भाई समझ के, मेरे को ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना इन बच्चों के व्हाट्सएप पे, मेरे को लगता है माँ बाप क्या है, एक लड़की को उसके पापा ने 9th क्लास को मैं पढ़ाता नहीं, पर ऐसे ही एक आधी क्लास उनको मैंने ये बोला मेरे को मैसेज कर दिया करो, बाकी बड़े बहुत बड़े बड़े टीचर हैं 40-40 साल, उनसे क्या बात करनी, और प्लस लोकल मैं ही हूँ सिर्फ, बाकी रखते नहीं किसी लोकल को। लड़की का मैसेज आया, मेरे पापा ने 9th में मेरे से स्कूल छुड़वा दिया कि डम्मी तो 4 साल घर बैठ के पढ़ेगी, और रो रही है कि मेरे फ्रेंड मैं पूरा दिन कुछ नहीं करती घर काम, ऐसे ऐसे तो माँ बाप हैं। हाँ डम्मी होता है कि आप स्कूल आपका फेक है, आप घर बैठ के पढ़ो 4 साल में, वो क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल, वो रोई फिर मैसेज पे। नहीं हमारे वाले इधर दिया हुआ है ना 2.5 लाख रुपया 2 साल का, इसीलिए आते हैं सारे। एक कॉमन थीम पता क्या था कि हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, हमें आउटपुट चाहिए, ऐसे घोड़ी होता है, बैंक का घोड़ी है बच्चा। इतना कम और इतने प्रेशर है ना, अब मैं खुद सोचता हूँ कोटा में स्कूल, इधर वाले बच्चे मेरे को लग रहा है माँ बाप के सामने सुसाइड ना कर लें, कोटा वाले तो क्या ही करते होंगे, ऐसे शक्लें, मतलब मेरे को याद है 11th 12th में सैनिक स्कूल के लड़के क्या क्या कांड करते थे, खुश रहते थे, वो करने चाहिए उस एज में, ये बच्चों की शक्लें ही ऐसी उतर गई हैं भगवान की कसम, ऐसी जो उतरी ऐसे लग रहा है कि मतलब इनसे ज़्यादा खुश तो मैं रहता हूँ, जबकि इनको ज़्यादा खुश रहना चाहिए, बड़े होकर तो टेंशन बढ़ती है ना, खेलता तो कोई है ही नहीं इनमें से, रिफ्रेश होते हैं फ़ोन पे, अजीब से हो गया, खासकर शहर के बच्चे अजीब से ही हैं, गांव ठीक है, सीरियसली गांव ठीक, स्टेटस का ही है सारा, सारा स्टेटस क्या है, प्लस गांव में बॉन्डिंग बढ़ी है, एक का दुख ना दूसरा समझता है, ऐसे ईगो पे नहीं ले लेता है, वो शहर में नहीं होता, शहर में तो मेरे को मतलब सच में ऐसा लगता है कि सामने सब फेक का वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। बच्चे पागल हो जाएंगे ना, ये नहीं है ना फिर ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा, इन बच्चों के साथ तो नहीं बनेगा इंडिया विश्व गुरु, इन बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोईम है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वहाँ पे फिर वो देश विश्व गुरु, मैं अगली लाइन भूल गया, जहाँ यार जहाँ डर है ना वहाँ नहीं आप प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते, दबा दिया, रोते हैं ये बच्चे, टेस्ट में 10 नंबर काम आने पर रो रहे हैं, कल को मान लो इनके माँ बाप मरना ना इनके माँ बाप ने, तब तो ये पागल ही हो जाएंगे, क्या बात ये इनका, ये बाकी ये अगर 10-10 नंबर पे रो रहे हैं ना ये बच्चे, ये बाकी क्या बुलो लेंगे जिंदगी के, यार इंटरेस्ट आता लेकिन आपने मतलब, मैंने कल हर तीसरे माँ बाप को मैं कल ये बोल रहा था, करते हैं अभी हो जाएगा कवर, मैं 4:30 तक यही हूँ, तो हर तीसरे माँ बाप को मैं ये बोल रहा था, वो ये बोल रहे थे मेरे को कि सर
मतलब ये क्या करेगा सर, इसका हो तो जाएगा ना एक बार, मतलब पर मैं कैसे बताऊं यार हो जाएगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो हमारा मतलब हिसाब रखो, हमारा 2017 से इधर आना वेस्ट हो जाएगा। मतलब आप इसके लिए मतलब सब कुछ कर रहे हो। एक आंटी आई, वो टीचर है, वो कहती कि आप खुद बताओ सर, मैंने लोगों के बच्चे पास कराती हूँ, अगर मेरा ही फेल हो गया तो। मैंने कहा टीचर है उसकी मम्मी। मेरा तो मन किया उस आंटी को बोलूँ कि पास तो आंटी जी आप भी नहीं कराते होगे, आप तो वहाँ मकार ही करते हो उसके सरकारी स्कूल में, पढ़ाते कहाँ होगी वो आंटी, कोई नहीं पढ़ाता। नहीं मैं अग्री कर रहा हूँ, पर वो आंटी नहीं थी वो, तो मैम फीमेल टीचर नहीं होती ज़्यादातर अच्छी। हाँ मेरी मम्मी पूरी सर्दियों में किम्ब की चटनी बनाती रहती है स्कूल में। सिलाई ले जाती थी, स्वेटर बुन के, आज ये स्वेटर बुनी। ये है इंडिया, या वो इंडिया है जहाँ पूरी मक्कारी मार रहे हैं, या फिर ये है जहाँ इतना प्रेशर कुकर बना दिए कि मरने की हालत में आ गए हैं बच्चे। यही इस बार इसमें भी यही है यार। आपको इतनी इतनी चीज़ें समझ आ गई है ना, इतना वो नॉलेज मिल गया, आप कुछ भी कर सकते हो। ये कोई आप बायोग्राफीज पढ़ो लोगों ने क्या क्या नहीं अचीव किया हुआ है, बस ये दिमाग में आपके डाल। अगर ये पेपर पास नहीं हुआ, जैसे IIT वालों के दिमाग में डाल, अगर IIT नहीं हुआ आप खज्जल हो, ऐसे कुछ होता है। मेरा एक बैचमेट था IIT में, वो इसलिए 4 साल डिप्रेशन में रहा कि उसके पापा ने कंप्यूटर साइंस से की थी और उसको बायोटेक्नोलॉजी से करनी पड़ रही है। IIT दिल्ली में पढ़ रहा है वो, हाँ ये थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी लो ब्रांच है ना। हाँ वो तो है, पर है कुछ नहीं होगा। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ मैं हर माँ बाप को पता है क्या बात बोल रहा था। मैंने कहा आंटी जी अभी मोदी क्यों से फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है, आप बार बार बोल रहे हो इसका क्या होगा, उसका हो गया जब सच में उसका हो गया वहाँ, क्योंकि वो फ्री रहा। मोदी को ये टेंशन थोड़ी थी, मोदी को कोई बोलता कि तू, उसका बाप बोलता दामोदर दास मोदी, अगर मोदी को बोलता कि तूने मेरा नाक कटवा दिया, तो मोदी गाली दे के चला जाता कहीं और। फ्री माइंड कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये पागल जब कर देते हैं ना इंसान को, फिर वो सोच ही नहीं सकता बड़ा। मेरे को इतना हमारे पेरेंट्स है ना, मतलब सारी रिस्पेक्ट है, पर हमें पता क्या सिखा दिया, क्या पेरेंट्स के आगे नहीं बोलो, कैसे नहीं बोलो, बोलना चाहिए। किसका किसका? हाँ हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस कृष्ण ने नहीं मारा अपने मामे को। यार मैं आपको सच बताऊं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मेरे एक इनडायरेक्ट मामा है, ठीक है, वो एक्सियन वैक्सीन कुछ होते हैं, वो रिटायर हुआ, सबको पता उन्होंने दबा के करप्शन की है। वो अकेले अर्निंग मेंबर थे, ठीक है, और उनकी वाइफ का उनकी घर बनाए हैं, उन्होंने जो गाड़ियाँ रखी हैं, मैं तो उनके मतलब पैर भी नहीं छूता। फिर मेरे को मम्मा बोलती है कि तू क्यों नहीं, ऐसे क्यों करता है। बड़ी दोगली सी सोसाइटी है इधर, मैं तो इन बच्चों पे तरस आ रहा था मेरे को कल बस। नहीं गांव वाले माँ बाप एटलीस्ट, ये तो आपके पापा है सपोज, आपको कभी ये नहीं बोलते होंगे कि अगर आप तेरा पेपर पास नहीं हो तो, ऐसे बोलते हो ना मस्त रहे, बोलते हैं ना गांव वाले। हाँ हाँ बस वो कहते हैं यार माँ बाप मस्त रहे, गांव वाले ये नहीं कहते, क्योंकि आपके पापा के लिए यू आर नॉट हिज ईगो। वो ईगो डेवलप ही नहीं हुई गाँव की सोसाइटी में कभी, इधर डेवलप हुई है। इधर वाले लोगों के लिए इनका घर भी इनकी ईगो का सिंबल है, इनकी गाड़ी भी, और इनके बच्चे तो सबसे ज़्यादा। और वो बच्चे जब आउट पर मतलब नहीं करते तो देखना। असली एजुकेशन ज़रूरी है, सही बात है यार, नॉलेज बंटी है बस।
वो तो मैं मानता हूँ कि सोच और उसका भी, उसका और ज्ञान का और उसका, हाँ कोई कोई वो नहीं है। चलो करो, स्टार्ट करो फिर। केसेस ऑफ बर्ड फ्लू, फर्स्ट केसेस ऑफ बर्ड फ्लू ऑन द राइज अगेन इन इंडिया, ऑन द राइज अगेन इन इंडिया। हाँ अगेन इन इंडिया, ठीक है। लेकिन बर्ड फ्लू इज ऑल्सो नोन एज, बर्ड फ्लू इज ऑल्सो नोन एज H3N8। सुना है H3N8? यही आता है पेपर में, H3N8। अब आप बताओगे H3N1 क्या है? ये बड़ा फेमस है, इंडिया में आया था, मरने वाले थे सारे, और कॉमनल इशू भी बना था ये। ये कौन सा है? बर्ड फ्लू। इसका ही दूसरा नाम क्या है? एवियन फ्लू। एवियन कहते हैं ना उसको, बर्ड्स को। H3N1 का दूसरा नाम क्या है? शाबाश, स्वाइन फ्लू। ठीक है, क्लियर है। अब बताओगे ये दोनों ह्यूमंस में आ सकते हैं? ह्यूमंस में आ सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं? बर्ड फ्लू भी हो सकता है, स्वाइन भी होता है, ठीक है। कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन। यार आपको ये याद रखने हैं, मैच करने आते हैं, याद रखना। स्वाइन फ्लू वायरस है, फ्लू इज ऑलवेज वायरस, फ्लू इज ऑलवेज वायरस। फ्लू वर्ड है तो वो वायरस है। नेक्स्ट, पहले इंपॉर्टेंट डेज लिखो मार्च के, इंपॉर्टेंट डेज मार्च। आठ मार्च, आठ मार्च, बताओ क्या है? इंटरनेशनल, नेशनल कब होता है? 13 फरवरी। वुमेन्स डे, डे। नेक्स्ट, विमेन्स डे, मैंने ये नहीं बोला। हाँ नेक्स्ट, थ्री मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। हाँ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 24 मार्च। नहीं नहीं नेक्स्ट 24 मार्च, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे। ट्यूबरक्लोसिस डे टीबी डे। हाँ नेक्स्ट, फोर्टीन मार्च,
पाई डे, पाई डे इस बार बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी। पाई डे क्या होता है? पाई नहीं पता, 3.14 पाई डे, ठीक है। पाई की वैल्यू, हाँ जी, पाई नहीं पता, 3.14। अगर ये नहीं हो ना मैथ में, कुछ नहीं है। जीरो के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या मैं बता रहा हूँ, पाई डे मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब सिग्निफाई करते हैं कि ताकि सिग्निफिकेंस रहे। पाई इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर पाई नहीं होता ना तो सर्कल नहीं होता, सर्कल नहीं होता ना तो कुछ नहीं चीज़ होती। सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है मैथ की, बात समझ आ रही है? ठीक है, सर्कल का वो है जो शुरुआत, वो ये यजुर्वेद से, यजुर्वेद में कुंड बनाते थे, वहाँ से वैदिक मैथ शुरू हुआ। अगर आपको पता हो पूरा मैथमेटिक्स कहाँ से शुरू हुआ है, यजुर्वेद में हवन कुंड बनाते थे, यजुर्वेद रिचुअल्स का वेद है, तो उसमें हवन कुंड बनाते थे, उसमें ये आया। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आई, पहले सर्कल बनता है उसके बाद क्वाड्रिलेटरल जाते हैं, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ट्राइंगल, बात समझ आ रही है? और इसमें पाई, और ये सबसे पहले इंडिया का साइंटिस्ट था बोधायन, उसने 800 BC में बता दिया था, पर इसको कभी एक्नॉलेजमेंट मिली नहीं। यजुर्वेद में पाई की वैल्यू है, यजुर्वेद में पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम भी यजुर्वेद में है। हाँ, बेस स्क्वायर प्लस, नहीं नहीं वैल्यू है मैथ की। हाँ, जो अगर आपको सर्कल रेडियस पता है, रेडियस तो रेडियस नोन है, सर्कमफेरेंस क्या आती है 2πr, एरिया क्या आता है πr², स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3π, हर चीज़ में पाई आता है, बात समझ आ रही है? पाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाई नहीं हो तो सर्कल नहीं हो, सर्कल नहीं हो तो कुछ नहीं हो। एक पाई, और एक अगर आपको पता हो ई, एक्सपोनेंट, ई की पावर होती है ई स्क्वायर, ई बहुत इंपॉर्टेंट है। ई की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0-1 होती है, ई 0-1 नहीं होता, 2 की पावर 0-1 होता है। छोड़ो मैथ में क्या जाना यार, याद रखना पाई डे होता है 14 मार्च को, और पाई पाई इन्वेंट मतलब फर्स्ट टाइम किसने किया था, बोधायन ने, पाइथागोरस थ्योरम उसने की थी 800 BC में। नेक्स्ट, बस डेज इतने ही थे, गर्ल चाइल्ड डे वगैरह हैं, अनबॉर्न चाइल्ड वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लिखते चलो न्यूज़, ठीक है, स्टार्ट करो। बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, हाँ मेस्सी, मबाप्पे को दूसरा मिला। फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था इस बार? अर्जेंटीना, वो भी लिख लो। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे लिखा 3 मार्च को, उसका थीम लिखो, थीम वहीं लिख लो ऊपर, लिखा ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, लिखो थीम, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेक्स्ट, कर्नाटका बीट्स मेघालय टू बैग संतोष ट्रॉफी, कर्नाटका बीट्स मेघालय टू बैग संतोष ट्रॉफी। अब बताना है संतोष ट्रॉफी किस फील्ड, किस उसमें होती है? फुटबॉल, बिल्कुल सही। टू बैग, बैग मतलब जीतना। संतोष बीएजी बैग संतोष ट्रॉफी फुटबॉल।
नेक्स्ट फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज, फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन, बताओ कौन कौन सी कंट्रीज होंगी? क्यों रीड करो यार, फ्रांस इंडिया जापान भी है, होगा फिर जापान भी, चेक कर रहे हैं जापान नहीं, नहीं फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज नॉट जापान एक्सरसाइज, ठीक है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट अब आप मेरे को बताओगे डस्ट लीक किसके बीच है? कैसे नहीं पढ़े, बिल्कुल सही इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान। वरुणा किसके? अच्छा तो आज ही है, कर लाओगे? क्या हो गया था पहले? लग तो नहीं रहा, नहीं रह जाता ना ऐसे ही मेरे को, वही देखो रह गया, माइल्ड हुआ था। अच्छा ठीक हो ना अब? आइसोलेट किया था, घर में तो नहीं हो किसी और को? चिकन पॉक्स अब आपको दोबारा हो सकता है, वायरस से होता है पक्का। एक चिकन पॉक्स का भाई होता था मीजल्स, माता जिसको कहते थे, वो वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, वो भी वायरस से होता है अब पर, लेकिन वो अब इरेडिकेट हो चुका है दुनिया से, ठीक है। इंडिया इज पोलियो फ्री, ट्रू है फॉल्स? इंडिया हो गया, पाकिस्तान नहीं हुआ, पोलियो फ्री हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाँ बड़ी करी हैं, बड़ी खाई हैं, और बड़ी कड़वी होती थी। नेक्स्ट दो स्टेट्स के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, लिखो कॉनराड सांगमा, कॉनराड सांगमा अपॉइंटेड, अपॉइंटेड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। यार जो इस साल बनते हैं ना वो जरूरी है। कॉनराड सांगमा अपॉइंटेड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, ठीक है। अगला ये बताओ, इनको बुलाओ। अच्छा पढ़े हैं आपने करंट अफेयर, न्यूजीलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर बना है, न्यूजीलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर बना है, क्या नाम है? क्रिप हॉपकिंस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट नेक्स्ट नेफ्यू रियो अपॉइंटेड द न्यू, नेफ्यू रियो अपॉइंटेड द न्यू, अपॉइंटेड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। अब यहीं से दो स्टेट्स आ गई, एक काम करो यहीं पे एक रिवाइज, ये पूरी क्लासेस रिवीजन की हैं, जल्दी से लेके पूरा एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स लिखो, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 56 से लेके 2014 तक, जल्दी लिखो जल्दी। ये जो पक्की आनी है ना चीज़ें वो ग्रिप करो, और मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले 56 में आंध्र, फिर डैश डाल लिखते चलो, उसका नीचे 60 में क्या हुआ, महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र पहले से था गुजरात निकला उसमें से, 56 में आंध्रा बनी, हाँ हाँ 1956 आंध्रा, उसके बाद 1960 में गुजरात एंड महाराष्ट्र, 62 में नागालैंड, जिसका सीएम के कौन बना है, नेफ्यू रियो, 62 में नागालैंड, क्रिश्चियन 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 नेफ्यू रियो, दिखने में एंग्लो इंडियन लगता है। उसके बाद 62 में नागालैंड, 62 में नागालैंड, 62 में नागालैंड। नेक्स्ट 71 में सिक्किम करवाया है, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से 71 में सिक्किम लिखवाया है, मेरे को पता है हाँ, पर याद ही नहीं आपको तो फिर क्या करना है। 71 में सिक्किम, 74 में मणिपुर, 74 में मणिपुर, ठीक है। अब 87 में तीन MAG, ट्रिक है MAG, मिजोरम अरुणाचल गोवा, 87 में तीन मैग,
मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। ठीक है, अगला AMAG अरुणाचल गोवा। ठीक है, अगला है आपका 2000 में कुछ CUJ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। हाँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी। क्या 1987 में? क्या? हाँ, कुछ। नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूज़ देखो। यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स वुमेन्स डे। द थीम वॉज डिजिट ऑल टेक्नोलॉजी फॉर साइबर सॉरी जो भी टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी याद रखना। किस तारीख को होता है इंटरनेशनल? 8 मार्च। इंडिया की पहली वुमेन ऑफिसर सियाचिन में गई है, किसी को नाम पता है? इंडिया की पहली बार एक वुमेन ऑफिसर ठीक है, ऑफिसर कैडर होता है, सिपाही कैडर होता है, ऑफिसर आर्मी में गई है। क्या नाम है मान लो ये हो गया? अरे सियाचिन में, सियाचिन नहीं पता है? बिल्कुल सही। कहाँ, क्या नाम है? चलो पेपर में मान रहा होता और कास्ट लिखी होती। कौन सी कास्ट मारते आप? राजपूत ही है, सारे नहीं है, ज़्यादा है, 83-82% है। तो नाम है, नाम से आपको विमेन, शिवा चौहान। ठीक है, लिखो जल्दी, लिखो। शिवा चौहान बिकम्स फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन, अब इन लोगों को बनना चाहिए लड़कियों के लिए आइडल, और बन कौन रही हैं वो सब? क्या नाम है उसका, जो उर्फी जावेद और ये सब? सीरियसली, मजाक की बात नहीं है ये, इसका नाम कौन जानता होगा? है ये इंस्टाग्राम पे? नहीं, टाइम ही नहीं है इसके पास। फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन, या वो क्या नाम है उसका जो इच्छा परी है एक नंबर की, राखी सावंत नाम है उसका, वो फेमस है जो भी है इन किन के? गीता में ना एक श्लोक आता है, गीता के 18 चैप्टर है ना, 16वें चैप्टर में एक श्लोक आता है कि सोसाइटी जिसको फेम देती है ना, सोसाइटी वैसी हो जाती है। इंडिया में इन लोगों को फेम मिला कभी? USA में साइंटिस्ट को इतना सेलिब्रेट किया जाता है ना, इतना सेलिब्रेट किया। इंडिया में साइंटिस्ट, लोकल साइंटिस्ट का नाम पता है आपको? हाँ, इंडिया में किसको फेम मिलता है? इंडिया को सच में रिवाइवल की ज़रूरत है, ख़त्म हो जाएगी नहीं तो सोसाइटी है। और इस बेल्ट ने पूरा देश का डिक्लाइन कर दिया, पंजाब की बेल्ट है। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट है
बेसिकली न्यूज़ फालतू है, न्यूज़ नहीं, मैंने आपको बता नहीं, इसरो ने मिसाइल टेस्ट की है, ठीक है। मिसाइल का नाम है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, फुल फॉर्म है लिख, ये नहीं लिखना है आपसे, मैं जो पूछ रहा हूँ पेपर में आता है। इंडिया अब्दुल कलाम फेमस हैं, अब्दुल कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये बनाया था। इंडिया बेसिकली इंडिया है ना, इंडिया नीड्स टू प्रोटेक्टेड, इंडिया हैज़ 5 मिसाइल्स। अब्दुल कलाम कहते हैं ना मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्यों कहते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम बना था जिसके तहत उन्होंने 5 मिसाइलें बनाई थी। तो आप पहले आप हेडलाइन लिखो ताकि कॉन्टेक्स्ट याद हो, ये कभी नहीं आएगा पेपर में, पेपर में ये आएगा, लिखो MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM टेस्टेड बाई अब्दुल कलाम, सॉरी इसरो, टेस्टेड बाई इसरो टेस्ट फायर्ड बाई, एक ही बात है, अब ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इंडिया को जो 5 मिसाइलें बचाती हैं ना, वो अब्दुल कलाम ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। इसके तहत 5 मिसाइलें हैं, सुना होगा आपने नाम, पृथ्वी का नाम सुना है, अग्नि का नाम सुना है, नेक्स्ट धनुष नहीं है, बोलो और, आकाश का सुना है, त्रिशूल का सुना है, और एक है नाग। ये 5 है, और इतनी बार क्वेश्चन आता है ना ये कि इंडिया की जो 5 ये सब इन्होंने की थी, ऐसी थोड़ी किसी को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रह्मोस है इसमें नहीं, और ये ऑप्शन बन के आएगा, ये इंडिया का गाइडेड मिसाइल था पूरा 100%। 3 तो न्यूक्लियर वार हेड कैरी कर, नाग है ना ये एंटी टैंक है। देखो 2 तरह की मिसाइलें होती हैं, पहली जो ऑफेंसिव में अटैक करती है, पहले मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको इसके लिए, पहले समझ लो, सुन लो, ये धरती है, ठीक है। तो आपने पार्टनर फिल्म देखी है, सलमान खान की फिल्म थी पार्टनर, देखिए उसमें एक स्टार्टिंग में सीन आता है, एक मिसाइल लॉन्च हो जाती, फिर वो पीछे पीछे चलती रहती, वो जो फॉलो करती है ना, दैट इज़ क्रूज मिसाइल। क्रूज कंट्रोल होता है गाड़ी में, मतलब एक बार आपने ऑन कर दिया फिर वो अपने आप चलेगा। और जो बैलिस्टिक होती है वो पता क्या करती है, बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर जाती है, मतलब ऊपर इन द सेंस 50 किलोमीटर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाके देखती है कौन सा टारगेट है, फिर सीधे आती है। बात समझ आ रही है, क्रूज़ क्या करती है, धरती से 30-40 मीटर ऊपर ऐसे क्रूज़ करेगी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रिसाइज नहीं होती, पर बैलिस्टिक मिसाइल अगर बच जाए ना कहीं तो कुछ नहीं बचता उसके बाद। तो अगर हमें न्यूक्लियर अटैक करना है प्रिसीजन चाहिए ही नहीं, सपोज करो जम्मू को तबाह करना है तो गांधीनगर में बम गिरे या पंचतीर्थी में गिरे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर हमें न्यूक्लियर अटैक करना है तो बैलिस्टिक मिसाइल पर रखा होता है, और अगर आपने छोटा टारगेट हिट करना है, फॉर एग्जांपल अभी ना बगदादी को मारा था तो बैलिस्टिक से थोड़ी मारा था, क्रूज मिसाइल ऑन की थी, वो गुफा में था अंदर, वो गई थी गुफा के अंदर, गई घुस के जहाँ जहाँ गुफा का टर्न था ना वहाँ घुस के एंड में मार के आई उसको, फर्क समझे दोनों में, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल ऐसे चलती है, हाँ सुखोई में लगी है क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक लगा ही नहीं सकते आप, बैलिस्टिक को यहाँ से फेंकना पड़ेगा, बैलिस्टिक को पहले 40 किलोमीटर ऊपर भेजना है, ऊपर जाके वो रेंज ज़्यादा है। इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल कौन सी होती है, बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंट USA ने अगर जापान तबाह करना हो तो बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिया के पास है बैलिस्टिक मिसाइल, USA और रशिया के पास दोनों ऐसी हैं जो अक्रॉस ग्लोब घूम जाएं। नॉर्थ कोरिया के पास वो वाली जो न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है, तभी तो कुछ बंगे नहीं लेते उसके साथ, क्या क्रूज की रेंज नहीं होती, क्रूज इज प्रिसाइज, हाँ समझ आ गई आप। अब ऑप्शन वो कुछ भी बनाएगा, वो लिख के देगा बैलिस्टिक इज प्रिसाइज कंपेयर टू क्रूज, नहीं है हमें पता है, नहीं तो बैलिस्टिक से नहीं मारते बगदादी को। द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज बाई क्रूज मिसाइल इज मोर देन बैलिस्टिक, गलत बात है,
बैलिस्टिक डिस्ट्रक्शन करेगी। मेरे को तो फोटो याद है, सीधी सी बात है, ये मैं अर्थ बनाता हूँ, ठीक है, लेट से यहाँ से यहाँ मारना है तो ये है मेरे लिए क्रूज मिसाइल, और बैलिस्टिक क्या है, यहाँ से यहाँ मारना है, पहले इसको ऐसे ऊपर भेजूंगा फिर ऐसे आएगी, ये बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक का एक्सप्लोजन भी ज़्यादा होगा। अब सपोज आपने ये फोटो याद रहेगी, खत्म होगी कहानी, अब वहाँ सोच लेना आप जो आएगा। इसलिए कहते हैं कि कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, अब लाइनें मैटर नहीं करती, जो वो बनाएगा देख लेंगे। और ये पता होना चाहिए कौन सी क्रूज है, कौन सी बैलिस्टिक, जैसे ब्रह्मोस कौन सी है, क्रूज, जहाजों में कौन सी लगाओगे, क्रूज, ये इनमें से बैलिस्टिक हैं। अग्नि की रेंज एक्सटेंड हो रही है, पृथ्वी की रेंज एक्सटेंड हो रही है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी, ये है पहले नाग समझो, नाग है एंटी टैंक। देखो आपकी मिसाइल एक ऑफेंसिव वाली होती है, एक डिफेंसिव होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने S-400 खरीदा था, वो क्या है, दोनों है उसमें। दिल्ली हर बार थोड़ी दिल्ली को अटैक करना है, कहीं हो सकता है इस्लामाबाद अटैक कर रहा हो, दिल्ली को बचना भी तो है, तब भी तो मिसाइलें छोड़ेंगे। एंटी टैंक है ये नाग, मतलब ये बचाती है, कल को अगर अटैक हुआ हम पे तो हमने भी कवरिंग नहीं, वो इसराइल की पिछले साल फेमस हुई थी एक वीडियो, आयरन डोम, बिल्कुल सही, वैसा ही है डोम। तो अगर उधर से अटैक हो रहा होगा तो इन्होंने बचाना है, एंटी टैंक है, एंटी टैंक नाम से क्लियर है, ऐसी है टैंक मतलब इट डिफेंड्स। हाँ नाग, हाँ सैनिक स्कूल आया था बड़ी साल पहले, तब से डेवलप हो रहा है, दिखाने आते थे। बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, नहीं तो खा जाएं इंडिया को आसपास वाले, ठीक है। पृथ्वी सर, अब ये अलग होती है, ये है सरफेस टू सरफेस, नाम से क्लियर। बड़ी देखो जो बड़ी एक मिसाइल होती है जो सरफेस टू सरफेस अटैक करती है, उसकी अलग टेक्नोलॉजी होगी। एक होती है कि जहाज उड़ रहा है, उसने सरफेस टू एयर मारना है, बात समझ आ रही है। आकाश वैसी है, आकाश एयर टू एयर भी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, पर ये समझो कि अलग अलग तरह की मिसाइलें होती हैं। कुछ हैं जो सरफेस से ही लॉन्च हो सकती हैं, पृथ्वी को आप जहाज से लॉन्च नहीं कर सकते, ब्रह्मोस तीनों से हो सकते हैं, पानी से भी हो सकते हैं, सब हैं, ब्रह्मोस बोला ना मैंने, है ये बैलिस्टिक है, ये आप नहीं रटो भी कौन क्या, पहले ये समझ लो इंडिया की मेन आर्सेनल क्या है, ये है, ठीक है, लिखो जल्दी यार। ये होती है लाइफ, मतलब एक नेशन को बचा के चला गया वो इंसान, सोचो वो दिखने में कैसा ऐसा, इधर फिर से मैं वही बात, मेरी मम्मी कहेगी जल्ला से आए अब्दुल कलाम आ जाता, अगर सही में कपड़े अच्छे नहीं पहनता, पूरा देश बचा लिया, पूरा देश बचा लिया, और कुछ नहीं करते थे, 8-9 घंटे जॉब की, आके अपना वीना बजाया, वीना बजाते थे ना ये, गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता है क्या, गॉड गिफ्टेड नहीं है, आपने कूड़ा नहीं जाने दिया दिमाग में, वो है अब्दुल कलाम, ये काम करते, मैं कोई इनको यार, ये मेरे को, मैं ऐसे इनको बोलता हूँ जैसे मैं कोई ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी ये करते कि ठुकरा के तुम मुझे गए हो, वो सब करते ही कभी नहीं करते। इंटीग्रेटेड गाइडेड इंटीग्रेटेड इन गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है किसी ने, 80 पेज की किताब है, पक्का पढ़ना, कैसे तो बस फालतू चीजें आपने 100 पढ़ ली होंगी, 80 पेज कुछ नहीं होते यार, वो 80 पेज उस बंदे की लाइफ है, आपकी लाइफ बदल जाएगी।
ऐसे लोगों को कौन अपोज करेगा, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन था जो अपोजिशन में खड़ा हुआ था कैंडिडेट उसने मना कर दिया था। ये होता है स्टड बंदा, अपोजिशन कैंडिडेट हट गया कि भाई इनके आगे मैं नहीं लड़ सकता। सीरियसली जैसे महाभारत में कृष्ण की तारीफ शकुनी भी करता था ना, वो होता है धोनी की तारीफ करते हैं सारे, मोदी की तारीफ ऑपोजिशन के सारे का सामने करते हैं बस ऐसे, सबको पता वो कितनी मेहनत करता है, बड़ी तारीफ करता है मोदी की। ये होती है मतलब आप इतना अपने काम के लिए डेडिकेट हो जाओ कि क्यों नहीं करेगा ऑपोजिशन वाला बंदा एक्नॉलेज। मोदी की तारीफ इतनी करते हैं ना ऑपोजिशन वाले, CPIM का प्रेजिडेंट करते सब करते हैं, धोनी की इतनी तारीफ करते हैं क्योंकि ये अपने काम के लिए इतने डिवोटेड है ना सारे लोग, वो फालतू बात ही नहीं करनी है। चलो आगे, जी जिनपिंग अपॉइंटेड द प्रेजिडेंट ऑफ चाइना फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। जी जिनपिंग नहीं पता आपको, जिनपिंग XI जिनपिंग जिसका कोरोना वायरस पे फोटो बनता था ना, अपॉइंटेड द प्रेजिडेंट ऑफ चाइना फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। द प्रेजिडेंट ऑफ चाइना फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। नेक्स्ट, मैंने आपको एक दिन बताया था खड़गपुर का रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा बताया था, ठीक है, वो रिप्लेस हो गया गिनीज वर्ल्ड बुक और रिकॉर्ड में। अब कहाँ का बन गया सबसे बड़ा, वेस्ट बंगाल का, ये गैस करो, हुबली, सुना हुबली, हुबली, हुबली का स्पेलिंग पहले HUBLI था, अब ये हो गया हुबली, ठीक है, लिखो हुबलीज प्लेटफॉर्म नंबर 8 रजिस्टर्स इट्स नेम इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नंबर 8 रजिस्टर्स इट्स नेम क्या इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ठीक, रिप्लेसिंग खड़गपुर, खड़गपुर नेपाल का नया प्रेसिडेंट बना है, क्या नाम है, बड़ा मीम बने थे इस पे, रामचंद्र अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तब ना बीजेपी वाले मोदी को गालियां देते हैं ना, जब मोदी थोड़ा अपीजमेंट पॉलिटिक्स करता है, तब बहुत गाली चली थी मोदी को, मोदी UAE वगैरह में था मेरे को याद है, कि नेपाल वाले रामचंद्र को प्रधानमंत्री बना रहे हैं और मोदी उधर घूम रहे हैं, न्यू प्रेजिडेंट ऑफ नेपाल। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे, बड़ा फेमस है, लिखना ऑस्कर अवार्ड्स हेल्ड एट लॉस एंजलिस, मैं पूछूंगा सारे, द एलिफेंट विस्परर्स लिखो, बहुत प्यारी है, मोदी मिला भी था उनसे, मोदी तो उससे भी मिल बैठा जो इंस्टाग्राम पे फेम, हाँ तेरा बड़ी सही वो करते हो, फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमर बड़ा सही है, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल रामचंद्र, क्या ऑस्कर अवार्ड्स हेल्ड एट लॉस एंजलिस में होते हैं ना। ये बताओ हुबली ना एक जगह है, रेलवे स्टेशन है, उसका प्लेटफॉर्म नंबर
हुगली है, वो हुगली नदी है, ये हुबली अलग है। हाँ हाँ ये हुबली वही है, पर ये हुबली है, वो हुगली है, ठीक है। हुबली प्लेटफॉर्म एक स्टेशन है ना हुबली, तो उसका प्लेटफॉर्म नंबर एक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया। मोदी गया था इनॉग्रेट करने, खड़गपुर का था, ठीक है। अभी वेस्ट बंगाल, हाँ हाँ, आईआईटी खड़गपुर, केजरीवाल पढ़ा हुआ है, ठीक है। करें आगे कहाँ, ऑस्कर वर्ल्ड हेरिटेज लॉस एंजलिस, ठीक है। अब ये बताओ ऑस्कर लॉस एंजलिस में होते हैं, एक बड़ा फेमस है कैन्स, ये कहाँ होता है, कान फिल्म फेस्टिवल, सुना है ऐसे कैसे नहीं सुना, ये पेरिस में होता है, पेरिस, कान्स होता है पेरिस में, ये भी लिख लो। ठीक है, बेस्ट सॉन्ग बताओ क्या आया था ऑस्कर में, बेस्ट सॉन्ग, नाटू नाटू लिखो, क्या हुआ, देखिए मैंने देखिए, नाटू नाटू, उस सॉन्ग की शूटिंग पता कहाँ हुई है, कहाँ हुई है, जेलेंस्की के दफ्तर के बाहर, यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट ऑफिस है ना उसके बाहर, नाटू नाटू, नाटू नाटू बेस्ट सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, द एलिफेंट विस्परर्स, द एलिफेंट विस्परर्स, मैं बता रहा हूँ, हाँ उस साल के लिए, एलिफेंट विस्परर्स, अब आप ये बताओ इसमें कहानी है कि कैसे एक कपल ना हाथी को बचाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा वो जो कपल है, हाथी हाथी तो हाथी है, एशियाटिक एलिफेंट, कपल जो है वो किस ट्राइब का है, किस ट्राइब का है, और वो ट्राइब कौन से वाइल्ड लाइफ एरिया में रहती है, तो ट्राइब बताओ। जो एलिफेंट देखिए ना ट्रेलर तो देखा होगा सबने, तो एक कपल, हाँ तो बताओ कौन है, फिर तो बताओ नाम आता है बड़ी बार, नाम आता है उसमें बड़ी बार, मैंने भी देखी है, ट्राइब का नाम बताओ, नहीं लेपचा तो वहां रहते हैं अरुणाचल में, ये हुई थी तमिलनाडु, उनकी शक्ल देख के ना तो तमिलनाडु के हैं, हाँ क्या, हाँ लिखो ट्राइब, कट्टू नायकन, कट्टू नायकन ट्राइब, हाँ सही बात है, ठीक है। और किस फॉरेस्ट में हुई थी, यार एलिफेंट मैं दिखा दूं क्या आपको थोड़ी देर के लिए, ट्रीजर दिखा दूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ताकि यार इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इनका यूट्यूब ही नहीं होगा, इन नेटफ्लिक्स होगा इनके पास, ये बंदा कौन से ट्राइब का है, कट्टू नायकन, और ये पूरी जो कहानी शूट हो रही है कौन से टाइगर रिजर्व की है, मुद्दू मलाई, वो मैं लिखवाता हूँ अभी, MUDU MALAI, मुद्दू मलाई, ये देखो आ गया ना, पहले ही सीन में आ गया, मुद्दू लिखा था मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व, ये देखो ये देखो क्या लिखा, मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व,
अभी क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा, बनता है आना यार। इंडिया की इतनी सालों बाद डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर जीती, आपको ये नहीं पता हो कि वो किस में किस फॉरेस्ट में शूट हुई, आपको ये नहीं पता वो कौन सी ट्राइब की है। बड़ी अच्छी है, प्लीज़ देखना, टेलीग्राम पे फ्री पड़ी हुई है, यूट्यूब पे भी डाल दी थी किस दिन किसी बिहार के बंदे ने, लेकिन वो हटा ली टेलीग्राम पे। नेक्स्ट, टेलीग्राम पे फ्री पड़ी हुई है। नहीं 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 टाइगर रिजर्व, हाँ टाइगर को क्यों बचाना था, क्योंकि टाइगर की आपको याद है जब 2014 के आसपास ना हर जगह पोस्टर लग गए थे, ओनली वन, मेरे को आज तक नंबर याद है 1728 लेफ्ट। एक टाइम पे इंडिया में 20,000 होते थे, 1700 बच गए थे, इंडिया डर गया पूरा। इंडिया का नेशनल एनिमल है वो, ही अगर स्टेटस हर्ट होता है ना इंसान का, फिर इंडिया ने पूरी जान लगा दी और अब हो गया 6,000। फिर इन्हें टाइगर रिजर्व बनाए दबा के, बाकी जानवर भी होते हैं, टाइगर इज द विच स्पीशी फ्लैगशिप, जिसके नाम पे चल रहा है। कीस्टोन तो है ही टाइगर, लेकिन जिसके नाम पे होता है ना फ्लैग, फ्लैग होता है ना शिप पे, ये कौन सी शिप है, दैट इज फ्लैगशिप, जिसके नाम पे वो एरिया चल रहा है, ठीक है। जैसे एक एरिया होते हैं इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, तो वहां पे बर्ड होता है फ्लैगशिप स्पीशी। एलिफेंट रिजर्व में कौन होता है फ्लैगशिप स्पीशी, एलिफेंट। कीस्टोन होता है जो अगर खत्म हो जाए तो सब नष्ट हो जाएगा। इंडिया में 6,000 हो गए, टाइगर बड़े ज़्यादा तेज बढ़ रहे हैं, बहुत पैसा खर्चा कर रही है गवर्नमेंट। लाइन खत्म हुए थे, मोदी ने, पता है मोदी ने पैसे मांगे थे, लाइन बड़े 500 रह गए थे, मोदी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगे थे, मनमोहन से, मनमोहन ने मना कर दिया था। फिर मोदी की बड़ी फेमस स्टेटमेंट है कि लाइन कॉमनल होता है, इसलिए उन्होंने पैसे नहीं दिए। मोदी को बोलते थे ना कॉमनल, तो उन्होंने बोला था लाइन कॉमनल होता है। फिर मोदी ने जैसे ही आए 2014 में, मोदी ने आते ही 1200 करोड़ सेंक्शन किया लायंस के लिए, अब लायंस भी बढ़ रहे हैं। लायंस भी बढ़ रहे हैं, पर लायंस पूरे इंडिया में नहीं है ना। टाइगर अगर ख़त्म हो ना फिर देश, क्योंकि टाइगर ख़त्म होगा ना अगर, सारे जंगलों में हर्बीवोरस बढ़ जाएंगे, वो ड्रॉट ला दे। मैंने आपको बताया था येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए का, वहाँ पे भेड़िए बड़े फेमस हैं यूएसए के, वुल्फ्स, वहाँ वुल्फ्स को इन्होंने हटा दिया। वुल्फ से डर, ट्रैकिंग करने जाते थे लोग, लोग डरते थे वुल्फ से, तो इन्होंने वुल्फ्स को सारे 10,000 वुल्फ्स डाले, ले गए वहाँ पे, फिर डियर बढ़ गए, ड्रॉट आ गया, वहाँ बंजर हो गया वो पूरा पार्क, खा गए वो सारी घास। तो इसीलिए इनका बड़ा ज़रूरी है ये कीस्टोन, अगर ये हट जाए ना कल को सारे टाइगर हट जाए इंडिया से, विद इन ए स्पैन ऑफ 30 साल इंडिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये डियर डूअर का मरना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो घास घूस खा के मर जाए। सीरियसली, हाँ आप तो नॉन वेजिटेरियन ही हो गए, क्यों ऐसे कैसे राजपूत में, आप भी राजपूत हो, आप भी वेजिटेरियन हो, मेरे को छुप के मीट खाना पड़ता है घर। क्या है मतलब, नहीं खाते हो, नहीं कोई नहीं खाता, अंडा तक नहीं लाने जा सकते घर पर, खाना पड़ता है। एक्चुअली मेरे सारे रिश्तेदार बसोली ठंडे इलाकों के हैं, उधर खाते हैं वो, मैं भी खाता हूँ फिर। हाँ वो ऐसे ही कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं और दुनिया को भी, और क्या। अब मेरी मामू की लड़की है, वो कहती मैं वेजिटेरियन हूँ, वो मीट की ग्रेवी ग्रेवी खाती है, तो इसका क्या मतलब है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। फिर इतना सा पीस आ जाए तो कहती वो खा जाएगी चोरी से। ऐसा हो सकता है कि आपने मीट लिया है उसकी ग्रेवी ग्रेवी खा ली, वो आप वेजिटेरियन रह गए। आप क्या लॉजिक है, अच्छी बात है, नहीं खाना चाहिए यार, नहीं खाना चाहिए, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। लॉजिक पता है क्या है, इसीलिए बड़े जो अच्छे लोग होते हैं ना वो प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते, क्योंकि ये रूट्स होती हैं प्लांट की, आप इन रूट्स में होते हैं ना ये दोनों चीज़ें, अगर आप रूट्स उखाड़ो तो आपने जान ले ली किसी की, उस प्लांट की जान, तो फिर वो नेगेटिव
चीज़ें इनकलकेट होती हैं अंदर। जो प्याज लहसुन की मनाही है वो इसीलिए है कि आप अगर मान लो सेब संतरा खा रहे हो या कोई और फ्रूट खा रहे हो, वो अगर आप नहीं भी खाते तब भी उसने गिरना ही था, उस प्लांट्स को तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने प्याज और लहसुन खा लिया तो आपने रूट्स खाई, मतलब आपने रूट्स को खा ली, जान ले ली उस प्लांट की, फिर तो नहीं होना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन को बहुत बड़ा क्राइम है, प्लस ग्लोबल वार्मिंग से ही बड़ा जुड़ा हुआ है। तो पाप तो विवेकानंद भी मछली खाते थे, अब पाप तो चलता है इतना और नहीं रहा जाता, मैं क्या करूँ। आगे लिखो, लोग बड़ा कहते हैं पनीर भी वैसा ही होता है, नहीं होता पनीर वैसा, नहीं होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, ठीक है। ईरानी कप, संतोष ट्रॉफी लिखा था आपने थोड़ी देर पहले, ये बताओ ईरानी कप किस स्पोर्ट में होता है? ईरानी कप मैं सारे कप्स लिखवा ही देता हूँ आपको, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ईरानी कप तो नहीं है हॉकी में, ईरानी कप तो बड़ा फेमस है। न्यूज़ देखी है? बताओ फिर, क्रिकेट का है, लिखो वहाँ संतोष के आगे जाके लिख दो, देखो लिखो। ईरानी कप क्रिकेट, जिस स्पोर्ट्स भी है प्लस जिससे दिमाग जिंदा हो, जिससे दिमाग में कूड़ा नहीं जाए, बस बेस्ट। आपके तो इतना विलेज बना हुआ है नगरोटा, मैं यहाँ से निकलूनी से जाता हूँ बड़ी बार, वहाँ जाओ ना, कितना मस्त बना है वो, थोड़ा तो फुटबॉल वाला ग्राउंड तो रेडी है, वहाँ जाओ, बेस्ट है वो, इतना बेस्ट जगह है वो, बहुत सही एरिया में रहते हो आप नगरोटा। कहाँ पे ग्राउंड तो है हर जगह, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। लिखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज, नेक्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज। कप कौन जीता है इंपॉर्टेंट, रेस्ट ऑफ इंडिया जीता था पर हाँ वो लिखवा लेंगे बाद में, अभी तो लिखवाते हैं बाद में। पहले लिखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज, ठीक है। कौन रिलीज करता है? बड़ी बार बताया मैंने ना, UNSDSN, देखो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, वर्ल्ड हैप्पीनेस, कितना लेवल ऑफ हैप्पीनेस है देश में, टॉपर बताओ कौन होगा, कैसे बताओ आपको? ठीक है, फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पैसा से खुश नहीं होता इंसान, जनता काम में खुश होंगे, सही बात है। नेक्स्ट इंडिया रैंक्ड, मैंने आपको 133 लिखवाया था ना पिछले साल का, इस साल का इंडिया रैंक 126 आउट ऑफ 136 कंट्रीज, 126 आउट ऑफ 136 कंट्रीज रैंक्ड, 126 आउट ऑफ 136 कंट्रीज, बिहाइंड पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, सबके पीछे, सीरिया, सबके पीछे इंडिया। लिख लो, लिखना इंडिया इवन वॉज रैंक, वो भी जब इंसान पूरा बर्बाद हो जाए तब भी खुश हो जाता है, इंडिया वाले तो बीच में ही अटके हुए हैं, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा दुखी है ना, इज्जत भी बचानी है, बड़ा कुछ कर भी नहीं सकते।
आप नोटिस करना अभी मिडिल क्लास ना, मैं बड़ी ये चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, मिडिल क्लास कुछ ऐसा कर नहीं पाई ना कि जिससे लोग तारीफ करें, फिर क्या करेंगे, अपनी कोई पुराने घर बचपन के फोटो जिसमें वो अपनी दीवारों पे लगाएंगे। अगर आप कभी अमीरों के घर में जाओ ना, वो क्या अच्छी अच्छी फ़ोटो लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर की, बड़ी बड़े लोगों की जिससे इंस्पायर हो। मिडिल क्लास अपनी फ़ोटो देख के खुश होती रहेगी, अपने बचपन की लगा देगी, उसको देख के खुश होती रहेगी। सीरियसली है ना, अपने बचपन की लगाई शादी की एल्बम, ये अपन को देख देख के खुश होते रहेंगे। हीरानगर जाता हूँ ना मैं, किसी हमारे मोहल्ला पूरा लाइन से कि कोई ना कोई किसी ना किसी टाइम पे शादी की एल्बम देख रहा होता है। इतने फोकट लोग हैं ना, भगवान कसम इतने फोकट लोग हैं ना, अपनी खुशियाँ देख के खुश होते रहते हैं बार बार। नेक्स्ट ठीक है, कौन रिलीज करता है याद रहेगा? डेवलपमेंट नेटवर्क। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एस जयशंकर ने जिस दिन आया था ना, ठीक है, तब एस जयशंकर ने बोला था कि कपिल शर्मा का शो मोस्ट वॉच शो है इंडिया में, तो पता नहीं ऐसी मतलब बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम, जयशंकर ने बोला था ये फर्जी रिपोर्ट है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट। आगे चलो, नेटवर्क फिनलैंड 6वीं बार जीता, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना फिनलैंड, मैं कैसे याद रख, फन फन लविंग हैप्पी, वो स्वीडन भी ऑप्शन देगा, नॉर्वे भी ऑप्शन देगा, यही ऑप्शन देगा वो। नेक्स्ट ऐसे ही बता दो कि वो 126 से ऊपर रैंक पे हैं, इंडिया की रैंक उनसे भी पीछे है। बात समझ आ रही है? हाँ, सबसे नंबर वन पाकिस्तानी खुश हैं। आपने देखा नहीं भाई इमरान खान का वो लूटा था जब, तो कैसे टमाटर और सेब लेके जा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जब चोरी डाका डाला था आर्मी कंटोनमेंट में, कितने खुश थे। हैप्पी है या नहीं, बड़े इंडिकेटर्स होते हैं, इसी पे तो जयशंकर ने बोला था कि आपके वही फ्लॉड हैं। हाँ, इंडिया का तो आई कैन एग्री कि इंडिया अनहैप्पी है, एटलीस्ट अर्बन इंडिया तो बड़ा अनहैप्पी है। बेंगलोर में दुनिया में सबसे ज़्यादा शहर है, सबसे बड़ा शहर है जहाँ इतने सुसाइड होते हैं। मैं बड़ी बार अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करता हूँ ना जो बेंगलोर में है इस टाइम, उनसे बात करके मतलब ऐसे लगता है कि ये अभी रात को ही जहर नहीं खा ले कहीं, कह रहे बड़ी स्ट्रेस है, बड़े रीपेमेंट डेट के कर रहे हैं स्टार्टअप। मैंने कहा यार तू इतनी अच्छी जगह पढ़ा, इतनी अच्छी तो ऐसी झूठी स्ट्रेस। और इधर मेरे चाचा का लड़का है, मेरी उम्र का है, कुछ नहीं करता, बुलेट रखा है, वो इंजॉय कर रहा है लाइफ, कोई टेंशन नहीं है। यार आपकी अनहैप्पीनेस ना पता है इस पर डिपेंड करती है कि आपके खुद से उम्मीदें कितनी थी और उस पर कितने पहुँचे। उस वो लड़का सपोज इधर के किसी से 1000 गुना बेटर है, पर उसकी एक्सपेक्टेशन है इलॉन मस्क वाली, वो कभी नहीं पूरी होंगी। वो ये सपोज जो मेरे कज़न है, इनकी एक्सपेक्टेशन है इधर ही ऊपर वाली पटूरी, तो ये खुश हैं। आप आपकी सारी अनहैप्पीनेस होती है आप कहाँ देखते हो खुद को और अभी कहाँ हो। सॉलिट्यूड, हाँ क्या ये यही तो करते हैं। हाँ सिंपथी, विक्टिमाइजेशन से बड़ा प्लेजर मिलता है कई लोगों को। हाँ नेक्स्ट चलो, एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉगरेटेड इन देवस्थल उत्तराखंड, देवस्थल उत्तराखंड। मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है, देखो एक प्रोसेस होती है रिफ्लेक्शन होती है, एक होती है रिफ्रैक्शन, सुना है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है।
तो यूजुअली क्या होता है, आपके पास लेंस होता है ना, जो आपका लेंस, इसी से मैं एक और चीज़ बता दूंगा, लेंस होता है ठीक है, तो लेंस जो होता है आपका ये ग्लास से बना होता है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ भी और ये बेंड कर देता है। तो बड़ी बार आपका जो एक्वेरियम होता है पानी, देखा है एक्वेरियम के अंदर मछली कहीं और दिखती है, असल में कहीं और होती है, या स्विमिंग पूल की डेप्थ कम दिखती है आपको, होती बड़ी ज़्यादा है, तो आपका लिक्विड भी रिफ्रैक्शन करता है। तो अगर ये सॉलिड का है तो क्या होगा, सॉलिड टेलीस्कोप जो कि हर जगह होता है, लेकिन इस बार क्या है, ऐसे बॉर्डर बनाया होगा और अंदर क्या रखा होगा, लिक्विड, तो लिक्विड भी रिफ्रैक्ट, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक चीज़ होती है, अगर वो बदल गई तो टेलीस्कोप बन जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? मेरे को पता नहीं है, एशिया इज लार्जेस्ट। अब एक और चीज़ क्या, आर्टिविजुअल सन, अपना मून बना दिया उन्होंने, वो लॉन्च हो जाएगा अगले साल। हाँ मैं कब मना कर रहा हूँ, बन जाएगा वो तो, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो जो इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बार बार पेपर में आती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, बताओ क्या होता है? नियर साइटेडनेस, वही है, मतलब पास का दिखता है, पास का दिखता है ठीक है, दूर का नहीं दिखता। और कैसे ठीक होता है ये चश्मा, कौन सा, कन्वेक्स या कनकेव, मैं बताऊं समझाऊं आपको, देखो आई में कौन सा लेंस होता है, कनकेव या कन्वेक्स, कन्वेक्स पता है ना, तो आई में कन्वेक्स लेंस है और ये है आई। तो मायोपिया में, मायोपिया समझा रहा हूं पहले आपको, ये है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, पास की इमेज को, ये है स्क्रीन, रेटिना कहते हैं इसको, तो यहाँ पे इमेज बन जाती है, लेकिन अगर दूर से लाइट आएगी ना तो वो पास में बन जाएगी यहाँ और ब्लर्ड दिखेगी आपको, ठीक है। तो लाइट जल्दी कन्वर्ज करती है, आँख का जो लेंस है ना वो कन्वर्ज, ये कन्वर्ज करवा रहा है ना जल्दी, तो अगर ठीक कराना है तो आप डाइवर्ज कराओगे, तो ये डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करोगे, कनकेव, हाँ बिल्कुल सही। मायोपिया में पास का दिखता है, दूर के जो, दूर की जो इमेज होती है वो जल्दी पास बन जाती है, तो आपको लाइट को डाइवर्ज कराने पीछे जाके बने, कौन सा लेंस है, कनकेव। ये तो समझने का ट्रिक कैसे रखना, सीएम, अब सीएम में मेरे को तो याद है कनकेव, पर क्योंकि जो मिरर होता है ना उसमें प्राइमरी मिरर कनकेव मिरर होता है, और लेंस में भी कनकेव होता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हाइपरमेट्रोपी, उसमें क्या होता है, फार साइटेडनेस, दूर का तो दिखता है, मतलब दूर से अगर कोई रे आई ना तो वो तो यहाँ बन जाएगी, लेकिन पास वाली है कोई तो वो पीछे बनेगी। अब आप क्या चाहते हो, जल्दी बने, तो आप यहाँ पे कौन सा कन्वर्जिंग वाला लगाओगे, अब यहाँ वाली भी यहाँ बन जाएगी, ये कंसेप्ट है। ऊपर वाला क्या, जो रे आ रही थी ना वो जल्दी मिल रही थी, जल्दी मिल रही थी, आप चाहते थे पीछे बने तो यहाँ बनेगी। मायोपिया में, मायोपिया का नाम है नियर साइटेडनेस, फिर से बता रहा हूँ एक बार, मायोपिया में क्या था, फिर से देखो ध्यान से, ये कन्वेक्स लेंस है, जो रे आ रही थी पास का तो आपको दिख रहा है ठीक, दूर वाली रे जल्दी मिल जा रही थी, आप क्या चाहते थे, यहाँ मिलेगी तभी क्लियर मिलेगा, तो आप ये कन्वर्ज जल्दी कर रही है, आप चाहते हो लेट कन्वर्ज करे, तो आप यहाँ पे डाइवर्जिंग वाला लेंस डालोगे, अब ये पीछे जाके कन्वर्ज करेगी। ये डाइवर्जिंग होता है ना, पता है ना, और इस वाले में क्या है, इस वाले में आपकी दूर वाली सही बन रही थी, बिल्कुल सही बन रही, पास वाली के साथ क्या था, पास वाली पीछे बन रही थी, तो आप इसको जल्दी मिलाना चाहते हो, आप यहाँ पे कन्वर्ज करवाओगे जल्दी ये वाला लेंस डाल के, तो अब ये यहाँ से जाके इधर मिल जाएगी, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ये याद रखना, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, नियर, नियर आता है पेपर में, नियर शॉर्ट, ठीक है, एक ही बात है, नियर साइटेडनेस, और कन ठीक कैसे होता है, कनकेव लेंस से, बस खत्म, ये याद रखना, पास का दिखता है। अब स्टेटमेंट आएगी, अब कैसे आएगी, ए पर्सन टेक्स ऑफ हिज ग्लासेस व्हाइल ही इज रीडिंग एंड वेयर देम व्हाइल ही इज व्यूइंग दूर का, तो कौन सा बंदा होगा ये, मतलब इसको पास का आराम से दिखता है, दूर का नहीं दिखता, टेक्स ऑफ हिज ग्लासेस
पास का आराम से दिखता है, पास का आराम से किसको दिखता है? नियर मायोपिया वाले को, तो कनकेव से ठीक होगा। ओल्ड वो तो वो होता है कि आपकी नज़र खराब होगी, लेंस खराब हो गया। हाँ नाम ही है ना नियर साइटेडनेस। हाँ आपकी कौन सी है? दूर का नहीं दिखता, दिखता होगा ब्लर्ड दिखता है। हाँ जैसे लोग क्या सोचते हैं नाइट ब्लाइंडनेस वाले बंदे को नाइट में दिखता ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ जाओ जाओ क्या छोड़ देंगे, बस 15-20 मिनट और लगे हैं। क्या हाँ 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 ये आई आई में इसका कितना होता है डायमीटर आँख का? वो गुंडों ने नहीं छल्ला रखा होता है आँख वाला, 2.3 सेंटीमीटर होता है। दोनों को छोड़ के बता रहे थे क्या? रखा होता है ना गुंडों ने आँख का छल्ला। नहीं नहीं आई बॉल कहते हैं इसको, आई बॉल। टेंशन में क्यों इतनी टेंशन में क्यों? रेनबो का आउटर मोस्ट कलर क्या होता है? रेड। ये सब बातें मैं नहीं पूछूंगा, आपकी सही होनी चाहिए। रेनबो का आउटर मोस्ट कलर पता है क्या होता है? रेड। नहीं नहीं अभी पता चल गया, पहले हो रहा था। ये बताओ रेनबो के लिए बारिश का होना जरूरी है? क्या आपने मना क्यों किया? कहाँ उसे पहले पढ़ दी है फाउंटेन्स में देखा होगा आपने, फवारा होता है ना उसमें भी बन जाता है, जमीन पे भी बन जाता है बड़ी बार, तो पानी का प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है चलो आगे लिखो। करना वोटिंग फॉर नेक्स्ट हेडलाइन है, वोटिंग फॉर कर्नाटका असेंबली बिगिंस। वोटिंग फॉर कर्नाटका असेंबली बिगिंस begins
अब आप मेरे को आंसर देते जाओगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है असेंबली की? आप पॉलिटिकल क्लासेस में आए थे? चलिए, मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है असेंबली? उससे बाद हुई थी असेंबली? हाँ, 100% उसके बाद हुई है। और कौन सी आती है आपको? और कौन सी पढ़ाई है मैंने? वो दूसरी कौन सी है? असेंबली वर्ड तो सिर्फ स्टेट वाली के लिए आता है। और कोई असेंबली पढ़ाई मैंने? बताओ फिर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पाँच सौ, उत्तर प्रदेश की बताइए मैंने 480, और मिनिमम 60, 60, और उसमें भी एक्सेप्शंस लिखवाए हैं। फिर मैंने स्टेटमेंट बताई थी, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली कैन बी 60। फिर एक स्टेटमेंट और बोली थी आपको, ट्रू फॉल्स, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव स्ट्रेंथ मोर देन, वो गलत बात है। मैंने आपको साथ साथ प्रीवियस ईयर भी बोलते जाता था मैं, ताकि आपके दिमाग में जाए। गए नहीं दिमाग में? बोलनी है मैंने सारी लाइनें? अगर बोलनी है तो फिर ये बताओ, काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ये लिखो यहाँ पे, ये 1/3 काउंसिल की मैक्सिमम होती है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मिनिमम 40। लिखो ये सारी बातें, चारों बातें लिखो इसके नीचे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आपने 6-7 महीने पढ़ना है ना, कहीं भी इलेक्शन होगी तो रिवाइज क्या करो, स्टैटिक पोर्शन, करंट से स्टैटिक रिवाइज करना होता है। असेंबली इलेक्शन स्टार्ट, इलेक्शन हो रही है कर्नाटका में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम होती है 500, मिनिमम होती है, ये है मैक्सिमम, नहीं नहीं 500, 100% 500। यूपी की 480 है, हाँ 500, 100 जाओ खो अभी खोल लो, 500 है यार, 324 तो कर्नाटका में ही हो रही है, टोटल 500, हाँ मैक्सिमम 500 यार, 324 तो कर्नाटका में ही हो रही है, और मिनिमम 60, वो भी एक्सेप्शन के साथ स्टार बना रहा हूँ स्टेट। हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिमम 40। आप बताओ किन किन स्टेट के पास वो है काउंसिल, कितनी स्टेटों के पास काउंसिल है? हाँ अच्छा, किन किन स्टेट्स के पास काउंसिल है? वो मैंने पेयर की फॉर्म में जुड़वाए रटवाए थे आपको, हाँ कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ पता कितनी होती है? 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं आंध्रा तेलंगाना और एक उड़ीसा अलग से, 7, बिहार यूपी महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्रा तेलंगाना को एक ही मानना था, ठीक है, और उड़ीसा 7। आप कह रहे हो लिखवाई नहीं है, असेंबली का स्पेलिंग नहीं हुआ था, असेंबली काउंसिल। अच्छा ये बताना है, असेंबली होती है एमएलए जहाँ चुन के जाता है ना, जैसे वहाँ क्या होता है लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही लोकसभा के बराबर की यहाँ क्या चीज़ होती है स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्यसभा के बराबर की क्या चीज़ होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में। कर दें थोड़ी देर है, 16 कर दें थोड़ी देर, कर दिया ये 10 पे हो गया, दस पे होता ही नहीं, वही तो कह रहा हूँ। हो गया ऑफ, हो गया,
अब हो गया। चलो 2 मिनट की बात है यार, जल्दी करो। नेक्स्ट, पहला वुमेन आईपीएल हुआ था, कौन थी सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर, मैंने बताया था ठीक है, जीता कौन वुमेन आईपीएल पहला, मुंबई इंडियंस विंस फर्स्ट वुमेन्स आईपीएल। मुंबई इंडियंस विंस फर्स्ट एवर वुमेन्स आईपीएल। पहला आईपीएल कौन जीता था? पहला चेन्नई जीता था, पहला जीता था राजस्थान रॉयल्स, शेन वॉर्न वाला। दूसरा चेन्नई जीता था 2010 में, तीसरा हुआ था फिर से चेन्नई, नहीं डेक्कन चार्जर्स भी जीता है। नेक्स्ट लास्ट है एबल प्राइज कॉन्फर्ड टू लुई कैबरेली। ये इंपॉर्टेंट नेम, मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। LUIS कैबरेली, CABARELLI, लुई कैबरेली। इंपॉर्टेंट नहीं है कौन है, इंपॉर्टेंट ये है, देखो नोबेल प्राइज मैथ में मिलता है, कहाँ मिलता है नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स? नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स तो नहीं मिलता। एबल प्राइज, नोबेल प्राइज मिलता है नहीं, एबल प्राइज को कहते हैं नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, ये याद रखना है, बार बार आता है पेपर में। एबल प्राइज इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। क्या मैथ और मैथमेटिक्स असली वर्ड? ये तो इन्होंने मैथ सॉल्व कर रहे हैं, बिहार के बच्चे कहते थे जब सपोज उनसे पूछो ना, IIT में थे और यहाँ भी थे, कहते मैथ बना रहे हैं। मैंने कहा मैथ तो बना गया रामानुजम, अपने क्या बनाना है, इतने मेहनती होते हैं ना। जैसे एक लिफाफा लाते थे घर से, उसमें ना मिक्सचर नहीं था, खुला मिक्सचर मिलता है ना दुकानों से, तो वो पूरा मिक्सचर पूरा लिफाफा भर के लाते थे, 6-10, 7-8 किलो का, उसको वो कहते हैं चूड़ा, ठीक है चूड़ा। तो वो ऐसे बैठ जाते थे, तो हमारे यहाँ बूढ़ी दादियाँ नहीं होती, ऐसे पैर ऐसे करके बैठती हैं जमीन पर बैठ कर, पैर ऐसे रख लिया और फिर ऐसे मैथ बनाते रहते थे और चूड़ा खाते रहते थे। इतने मेहनती होते हैं ना, इतने मैथ सॉल्व करते रहते थे पूरी पूरी रात। अरे बिहार के बच्चे IIT में, उनको मेहनत सिखाई है, मतलब उनको दे कैन सिट फॉर 12 आवर्स एट वन स्ट्रेच एंड सॉल्व ए पूरी कॉपी ऑफ मैथमेटिक्स। इधर सारे हमारे वही हैं, मैं ही हूँ बस डोगरा इधर। क्या बड़े ज़्यादा लोग हैं, ठीक है नेक्स्ट। हो गया वैसे वर्ल्ड टीवी डे हो गया ना पहले का, डेट बताओ कब है? हाँ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 20s में थी, 24 ठीक है। टीबी किससे होता है? बताया था यार बैक्टीरिया, ठीक है। टीबी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, नाइजीरिया में मलेरिया है, इंडिया में 26% केस टीबी के इंडिया में है दुनिया के। टीबी है रेजिस्टेंस डेवलप होती है आपको अलग अलग बीमारी में, बड़ी ज़्यादा पता नहीं चलता,
सिम्टम्स ही तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। एक वर्ड आपने सुना है वर्ड ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। आप टीबी, टीबी होता है कि यार कैसे बताऊँ, मतलब हाँ